नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार हिंदी न्यूज चैनल, जो रखता है राज समाज के हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश और प्रदेश की खबरों के साथ आपके समाज आसपास की घटनाओं से हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर। मथुरा मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने आरपीएस समाचार से वार्ता करते हुए बताया कि गणतंत्र दिवस के पर्व को लेकर सभी तैयारियों को अमली जामा पहना दिया गया है। इस दौरान मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहन स्वरूप त्रिपाठी और मंत्री दिलीप बागले सहित किशन सैनी, विजय सिंह, शरद शर्मा मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट से देखिए आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता के साथ ये रिपोर्ट। शर्मा जी हमारे साथ हैं, और शर्मा जी क्या कहना चाहते हो गणतंत्र को लेकर? गणतंत्र दिवस हमारा एक बहुत प्रमुख राष्ट्रीय पर्व है, जिसको मैं समझता हूँ समस्त भारत के लोग, भारत से बाहर जो हिंदुस्तानी भारत के लोग रह रहे हैं, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये हमारे संविधान लागू हुआ था वो दिन है। हम लोग इस बार गणतंत्र दिवस को स्वच्छता के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कलेक्ट्रेट में काफ़ी कार्य कराए गए, जिसमें स्वच्छता प्रमुख रही है। उस दिन पुलिस ग्राउंड में भी परेड वगैरह होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी उस दिन एक कार्यक्रम होता है, जिसमें कुछ लोगों को सम्मानित भी किया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं उनको सम्मानित किया जाता है, उनके आश्रितों को सम्मानित किया जाता है। मैं गणतंत्र दिवस पर की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। चलिएगा, और अध्यक्ष जी एक बार और आपसे हम रूबरू होते हैं, कुछ नया होगा इस बार गणतंत्र दिवस पर? निश्चित रूप से पूर्व की भांति जो प्रोग्राम होते हैं वो तो होंगे ही, उसके उपरांत हमारे जिलाधिकारी महोदय जो है बहुत ही कर्मठ एवं जुझारू हैं। निश्चित रूप से उनके द्वारा नई नई योजनाएं प्रकाश में लाई जाती है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई जिलाधिकारी महोदय द्वारा नया जो है वो किया जाएगा। चलिएगा, तो आपने जाना अभी तक हमारे साथ रहे शरद शर्मा और मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं मोहन स्वरूप त्रिपाठी जी और मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने आज बताया। मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं मोहन स्वरूप त्रिपाठी जी और मंत्री हैं दिलीप बागले साहब, जिन्होंने बताया हमको, आपने सुना ही, कि आगामी इस बार जो गणतंत्र है, गणतंत्र दिवस का जो पर्व है, उसको लेकर सारी तैयारियों को अभी से ही अमली जामा पहना दिया गया है। और मथुरा के जिलाधिकारी पुलकित खरे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में होंगे कार्यक्रम, और वहीं कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण होगा। और जिलाधिकारी की मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने की प्रशंसा, और हम तो यही कहेंगे मथुरा के लिए कि गणतंत्र के पर्व को लेकर अब देखना होगा कैसे मनाया जाता है। मथुरा में जो है यहाँ पर बड़ा ही जो है अच्छा तरीके से और गणतंत्र को लेकर सारी तैयारियों को अमली जामा पहना दिया गया है। मथुरा के कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ से आरपीएस समाचार ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट कृष्णा गुप्ता।